और बात अगर हम बिहार की करें तो यहाँ का दुर्भाग्य ही है कि कभी बाढ़ तो कभी सूखा यहाँ लोगों को झेलना पड़ता है। हर साल का यही आलम है। इस बार भी बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और सबसे ज्यादा हाल अगर बेहाल कहीं का है तो वो है समस्तीपुर का। यहाँ पर 9 प्रखंडों के तमाम गांव जलमग्न हो गए हैं। हजारों लोग बेघर होकर सड़क किनारे जीवन यापन के लिए मजबूर हैं। बिहार के समस्तीपुर में बागमती की लहरें बौराई तो फिर जैसे कयामत आ गई। अभी भी बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। समस्तीपुर में बाढ़ की विभीषिका की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई हैं। इन तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। जहां तक निगाह जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। समस्तीपुर जिले के 9 प्रखंड के 135 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 1,30,000 लोगों पर बाढ़ ने सीधे असर डाला है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गांवों से लेकर खेत खलिहानों तक कैसे बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। लोगों के घर पानी में डूबे हैं, मंदिर भी डूबे हुए हैं। दोपहिया और चार पहिया की बात भूल जाइए, जहाँ भी देखिए बस नाव ही चलती नजर आ रही है। ड्रोन कैमरे से कैद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समस्तीपुर दरभंगा सड़क पर दोनों तरफ बाढ़ पीड़ितों ने शरण ले रखी है। बागमती और करेह नदियों के पानी ने यहां कोहराम मचा रखा है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के कई गांव बाढ़ के पानी में बुरी तरह प्रभावित हैं। इन गांवों का जिला मुख्यालय से लेकर अन्य जगहों से सड़क मार्ग से संपर्क टूट चुका है। आवाजाही का एकमात्र साधन नाव ही है। बागमती नदी के उफान में पंचायत भवन डूब गया, सड़कों पर नाव चल रही है, घरों से बाहर आने का सहारा अब नाव ही है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क के बोर्ड सड़क पर लगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं सड़क दिखाई नहीं दे रही। ग्रामीण सड़क पर ही अपने जानवरों को नहला धुला भी रहे हैं। जिनके घर पानी में डूब चुके हैं वो सड़क पर आ गए हैं, तंबुओं में जीवन यापन चल रहा है। बाढ़ में जिंदगी की खुशियां जैसे बह गई हैं। सर, हम लोग का पूरा पंचायत जो है सो बाढ़ में पूरा तरह से एक तरह से भस गया है, पूरा डूबा हुआ है। बहुत से घर गिर भी गए हैं। आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है सही से। यहाँ सब लोग रोड किनारे जो है सो किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार के तरफ से तो सुनने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ सही ढंग से हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है। किसी तरह से अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं सब लोग। क्योंकि एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ बाढ़ की मार है, और दोनों के समय में अगर लोगों तक अगर राहत सामग्री नहीं पहुंच पाती है तो वो चिंता की विषय है। सरकार को चाहिए जो कहीं ना कहीं इसको उस जांच के दायरे में ला करके लोगों तक सहायता पहुँचाने का काम करनी चाहिए। इस बाढ़ की विभीषिका के बीच भी महिलाएं पूजा करने के लिए पूजा सामग्री ले जाती दिखी। बाढ़ का कहर अपनी जगह और आस्था की डगर अपनी जगह। सीवान में बाढ़ से कई पेड़ गिर गए। एक पेड़ के नीचे दबे शख्स को एनडीआरएफ ने कुछ इस तरह रेस्क्यू किया। गया में नेताजी बाढ़ पीड़ितों से मिलने निकले और उनको भी बाढ़ के पानी से गुजर कर जाना पड़ा। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा रखा है। इसमें शामिल है समस्तीपुर, अररिया, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, सीवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज, दरभंगा, पटना, सुपौल, भागलपुर, पूर्णिया, मधुबनी और कटिहार। कभी कोसी का कहर तो कभी बागमती की लहर। बिहार में हर साल इस मौसम में बाढ़ की विभीषिका दिखाई पड़ती है। हर साल पुख्ता इंतजाम के दावे होते हैं, लेकिन हर साल बिहार के तमाम इलाकों में बसे लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।